हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे सभी बच्चे, है ना? सही स्टडी चल रही होगी आप लोगों की। चलिए तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा था कि लास्ट लेक्चर में मैंने एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशंस कंप्लीट करवाया था। उसमें आपने देखा तो एक तो कॉमन प्रिपरेशंस थे एल्डिहाइड और कीटोन की, और फिर ओनली एल्डिहाइड, फिर ओनली कीटोन्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक साथ स्टडी करेंगे। तो देखिए, जैसे एल्डिहाइड में ये है CHO, एल्डिहाइड का जो फंक्शन ग्रुप होता है ये CHO है, और इसकी केमिकल रिएक्शन जैसे करवाएंगे बच्चों, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोस्ट नेगेटिव है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इसके ऊपर माइनस का और ये इसके ऊपर प्लस का। और कीटोन में इस एच की जगह क्या आएगा बच्चों? आर, तो अल्काइल ग्रुप। तो इसमें भी ये ऑक्सीजन जो है माइनस का और ये कार्बन कैरिंग प्लस का चार्ज हो जाएगा। तो ये अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप तो CHO है और कीटोन का है CO, और इसमें एच की जगह कोई अल्काइल ग्रुप आर आ जाएगा। तो अल्डिहाइड और कीटोन जो है, इनकी टोटल 7 केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज को 7 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। तो हम यूँ कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मेनली डिवाइडेड इंटू 7 कैटेगरीज, सच एज एट फर्स्ट है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। सेकेंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसमें तो डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल्स ऐड होगा बच्चों, और इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल्स ऐड होगा बट एलिमिनेट बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा। फिर नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शंस, फिर है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, फिर है हैलोजिनेशंस। हैलोजिनेशंस में हैलोजन ऐड होना है। फिर है रिएक्टिविटी टुवार्ड अल्कलीज, बेसिक सॉल्यूशंस NaOH, KOH या अदर कोई भी अल्कलीज। एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ बेस इज ऑल्सो नोन एज अल्कलीज। और लास्ट है मिसलेनियस रिएक्शन। तो ये 7 जो रिएक्शंस है, ये 7 की स्टडी हम वन बाय वन करते हैं बच्चों। तो एट फर्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है बच्चों। हम वन बाय वन स्टेप वाइज अब स्टडी कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल्स ऐड होगा। तो इसमें एट फर्स्ट है, फर्स्ट रिएक्शन है एडिशंस ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर H2O, H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। तो देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन में जनरल जो फंक्शन ग्रुप है ये CO, ये CO है। यदि आप यहाँ पे H शिफ्ट करते हैं तो एल्डिहाइड, और अल्काइल ग्रुप लेते हैं तो कीटो। तो ये कॉमन होगी क्या प्रॉपर्टीज एडिशंस ऑफ वाटर के लिए। अब इसे हम रिएक्शंस करवाते हैं बच्चों प्लस में H2O से। तो H2O में H और OH, जैसे ये ब्रेक होगा बच्चों तो OH, तो ये माइनस का और H प्लस का, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में मोस्ट नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ये माइनस का और ये प्लस का। फिर ये कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो इसके ऊपर माइनस का और इसके ऊपर प्लस का। अब देखिए, जो ये OH है ये C से अटैच हो जाएगा, ये C के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ OH अटैच हो गया, और इस O के ऊपर जो माइनस चार्ज है इसके ऊपर फिर से H आ गया, तो OH। तो अब देखिए, इसमें दो अल्कोहल अटैच हो गया, OH हाइड्रेट कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। OH जो है ये न्यूक्लियोफाइल्स है और ये ऐड हो रहा है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वाले में डायरेक्ट ऐड होना है, नेक्स्ट जो रिएक्शंस है उसमें एलिमिनेट होगा, बाई प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस होगी। इसी रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे ले लेते हैं HCOH, ये क्या हो गया मिथेनल, मिथेनल प्लस में H2O, और इनसे बनेगा बच्चों HH, और ये है C, ये OH और ये OH, ठीक। तो ये तो मिथेनल है, और ये क्या हो जाएगा मिथेन डाईओल, ये हो जाएगा मिथेन डाईओल। इसी रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना है तो एक हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है, एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप अब बन गया CHO, और इस H की जगह आप अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, जैसे ये CH3 है
और ये सी ओ और ये एच प्लस में एच टू ओ, तो इनसे ये बनेगा बच्चों सी एच थ्री सी और ये है एच और ये ओ एच और ये ओ एच, तो इथेन डाईऑल की फॉर्मेशंस होगी। तो अब देखिए ये अल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, इसमें आप चाहे तो कीटोन भी ले सकते हैं। देखिए दोनों साइड अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, ये हो जाएगा सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, ये होगा प्रोपेन टू ओन प्लस में एच टू ओ, जैसे इनको रिएक्शंस करवाते हैं ये हो जाएगा सी एच थ्री सी एच थ्री और ये सी ये ओ एच और ये ओ एच, तो ये हो जाएगा प्रोपेन डाईऑल, प्रोपेन टू टू डाईऑल। तो जो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, इसी तरह से इस रिएक्शंस को आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं, अल्काइल ग्रुप को चेंज करते जाइए, नेक्स्ट कंपाउंड की फॉर्मेशंस होती रहेगी। आ रहा है ना समझ में सभी बच्चों को? ओके, तो जो अब नेक्स्ट है एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। जैसे आपने पहले देखा वाटर में, वाटर में क्या होता है एच ओ एच और यहाँ पे ओ एच माइनस एच प्लस का, अब की बार एच सी एन है तो एच प्लस का और सी एन माइनस का, इनको जैसे रिएक्शन करवाते हैं देखिए जनरल ये है सी ओ प्लस में एच सी एन, तो अब सी एन माइनस का और एच प्लस का, ऑक्सीजन इनके ऊपर माइनस का और इनके ऊपर प्लस का, तब ये सी एन अटैच हो जाएगा कार्बन से, तो जो ये है सी ओ एच, इस ओ के साथ एच अटैच हो गया और ये सी एन सी के साथ, यह साइनोहाइड्रीन साइनोहाइड्रीन अल्कोहल भी है और साइनाइड भी है। अब इसी को कॉपी करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं जो सी एच थ्री सी ओ एच, ये क्या हो गया एसिटल्डिहाइड प्लस में एच सी एन, सूटेबल इसमें बेसिक सॉल्यूशन लेना है जिसकी पीएच वैल्यू 9 टू 10 होनी चाहिए, कोई भी बेस ले सकते हैं जिसकी पीएच वैल्यू 9 टू 10 होगी, तो ये बन गया सी एच थ्री सी ओ एच सी एन और ये है एच। अब देखिए ये जो सी एच थ्री सी एच ओ है ये क्या है एसिटल्डिहाइड, क्या है एसिटल्डिहाइड और इसमें ओ एच और सी एन आ गया, तो ये क्या आ गया साइनोहाइड्रीन, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, ठीक है। इसी तरह से अब ये देखो अल्डिहाइड में सी एच थ्री को आप चेंज कर सकते हैं सी टू एच फाइव सी थ्री, बट एच शिफ्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट कीटोन का बनाना है तो ये है सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, ये है एसीटोन, इस कंपाउंड का नाम है एसीटोन यानी तो प्रोपेनोन प्लस में एच सी एन, पी एच वैल्यू 9 टू 10 है और ये बनेगा बच्चों सी एच थ्री सी ओ एच सी एन और ये सी एच थ्री, तो ये प्रो एसीटोन है और इसका नाम हो जाएगा बच्चों एसी टोन साइनोहाइड्रीन, है ना, बिल्कुल कॉपी करनी है बच्चों। जैसे ही मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ऐड करना है ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से अटैच है कार्बन के साथ, वो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन कैरिंग नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन साइनाइड आर डिसोसिएट इनटू साइनाइड एंड हाइड्रोजन आयन और साइनाइड आयन डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम विच कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज आर अटैच टू ऑक्सीजन, इट मीन्स ए कार्बन विच कंटेन्स हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप एंड साइनाइड ग्रुप बोथ आर कंबाइंडली नोन एज साइनोहाइड्रीन। तो फाइनली बच्चों ये एसीटोन से बना तो एसीटोन साइनोहाइड्रीन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हैं थर्ड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस का ही थर्ड है, ये एडिशंस ऑफ सोडियम सोडियम बाय
सल्फाइट। अब देखिए सल्फाइट का होता है SO3 बाई सल्फाइट HSO3, और सोडियम बाई सल्फाइट है तो क्या बच्चों NaHSO3, तो Na प्लस का और HSO3 माइनस का। अब ये CO एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए कार्बोनिल, प्लस में Na प्लस का और HSO3 माइनस का। जैसे इनको रिएक्शन करवाते हैं बच्चों तब क्या होगा, ये ऑक्सीजन माइनस का और ये कार्बन प्लस का, तो ये सी के साथ ये ओ एन ए और ये हो जाएगा SO3H। अब इनके बाद क्या होगा बच्चों, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए एरो है, तो अब ये प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, जो एन ए है इस एच को डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। तो क्या बन गया ये COH SO3 Na एक्सचेंज कर लिया, तो ये सोडियम बाइसल्फाइट एडक्ट हो गया, ये सोडियम बाइसल्फाइट एडक्ट है। कॉपी कर सकते हैं आप, जैसे ये मान लीजिए CH3 COH प्लस में NaHSO3 और इसमें डायरेक्ट यदि प्रोटॉन ट्रांसफर कीजिएगा तो बच्चों अब जो है यदि डायरेक्ट यदि प्रोटॉन ट्रांसफर करने की भी बात आएगी तो ये है मान लीजिए ये CH3 और ये H और यहाँ पे ये OH और SO3 Na, तो ये सोडियम बाइसल्फाइट एडक्ट है। ये क्या था, एसीटल्डिहाइड और ये एसीटल्डिहाइड के बाद सोडियम बाइसल्फाइट एडक्ट, तो नाम हो जाएगा बच्चों एसीटल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइट। इसी तरह से इस रिएक्शंस को आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं, एसीटोन के साथ इस एच को हटा के ये कीटोन लेना है CH3 CO CH3, ये है एसीटोन, इट मीन्स प्रोपेनोन, प्लस में Na HSO3 और इनको जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों CH3 CH3 और ये हो गया C, ये OH और ये SO3 Na। तो फाइनली ये है बच्चों सोडियम बाइसल्फाइट एडक्ट में प्रोपेनोन सोडियम बाइसल्फाइट। अब नेक्स्ट बच्चों एडिशंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं तो याद कीजिए मैग्नीशियम मेटल की बात हो रही है बच्चों, ग्रिग्नार्ड मैंने आपको टेक्निक बताया अभी तक, गिरजानंद की माँ जी से है मैग्नीशियम, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का होता है RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो से मतलब है कार्बन और मेटालिक से मैग्नीशियम। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में गिरजानंद की माजी, तो अब देखिए इनको जैसे ही रिएक्शंस करवाते हैं तो ये है CO प्लस में RMgX। अब देखिए जैसे ही हम मेटालिक एलिमेंट को ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शंस करवाते हैं तो वो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, और जब रिएक्शन फास्ट हो जाती है तो वो फेल भी हो सकती है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमेशा ड्राई ईथर की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको बताया था जैसे वुर्ज रिएक्शन में सोडियम मेटल लिया था तो उसमें ड्राई ईथर लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं तो ड्राई ईथर लेते हैं। देखिए जब आग लग रही है तो उसको कम करने के लिए उसमें पानी डालना पड़ेगा,
जैसे ही पानी डालते हैं तो वो जलने की स्पीड उनकी कम होने लगती है, फिर बाद में बुझ जाती है। तो मतलब क्या है कि रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो सकती है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए ड्राई इथर लेना है। तो ड्राई इथर इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसमें मेटल आ रहा है। तो ये ड्राई इथर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं बच्चों। तो अब देखिए आर और एमजी में, एमजी क्या है, मेटल, और मेटल क्या होता है, दानी। दानी आदमी कभी भीख मांग के खुश नहीं है, तो इसीलिए मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा बच्चों, प्लस का, और ये कार्बन है इसके ऊपर माइनस का। कार्बन और ऑक्सीजन में फिर ये ऑक्सीजन माइनस का, ये बड़ा भिखारी है, और ये प्लस का, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में जो भिखारियों की लिस्ट में आता है वो आता है FON। भिखारी से मतलब है मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है FON पूरी केमिस्ट्री में। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, इसकी वैल्यू होती है 4, इनकी 3.5, इनकी 3 किलो जूल पर मोल। तो अब जो है बच्चों पूरी केमिस्ट्री का ये दूसरे नंबर का भिखारी है, ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखता है, जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए बताया था, टेंडेंसी टू गेन ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमेशा इनकी लेने की टेंडेंसी होती है बच्चों, देने की टेंडेंसी नहीं होती। तो अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करके खुश है, तो ये गेन करना चाहता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन माइनस का, कार्बन प्लस का। अब ये देखिए सी, और ये ओ एम जी एक्स, और इस सी के साथ आ गया ये आर। फिर इनको दोबारा रिएक्शंस करवाना है बच्चों वाटर के साथ, H2O। H2O में कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर ये माइनस का, कार्बन के ऊपर प्लस का, और वाटर H प्लस का और OH माइनस का। तो ये कार्बन है और ये जो प्लस था इनके पास आ गया ये OH, ठीक है। और ये जो है R तो इनसे अटैच है ही, और प्लस में आप देखिए ये एम जी ओ एक्स, और इस ओ के साथ आ गया एच, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, ये बाई प्रोडक्ट गिगनाड का। और ये जो फॉर्मेशंस हुई बच्चों ये क्या हुई, अल्कोहल। तो अल्डिहाइड और कीटोन के ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। देखिए एक बार अल्डिहाइड में आप बना गए, ये है CH3 CO H, ये है इथेनल। प्लस में CH3 MgCl, एक्स की जगह ClBrI कुछ भी ले सकते हैं। ड्राई इथर की प्रेजेंस होगी, ये CH3, ये H, और ये हो गया C, और ये OMgCl, और यहाँ पे क्या OMgCl आ गया, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। फिर इनको वाटर के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, तो वाटर में ये हो जाएगा बच्चों CH3 HC, और ये OH, और ये CH3 प्लस में MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। अब देखिए ये अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई है बच्चों, तो अल्डिहाइड से जो अल्कोहल बनेगा, ये जो अल्कोहल बना है अल्डिहाइड से, इसमें क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। यदि आप यहाँ पे एच लेते तो प्राइमरी बन जाता, यहाँ पे आपने CH3 लिया, तब तो ये जो अल्कोहल बना ये क्या बन गया, अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच, ये दो और कार्बन से। तो याद रखना बच्चों अल्डिहाइड में बनता है पहला और दूसरा, प्राइमरी और सेकेंडरी। बाय द वे हम यहाँ ले लेते हैं कीटोन, तो अब कीटोन में देखिए CH3 CO CH3 प्लस में CH3 MgBr। प्रेजेंस क्या लेना है, ड्राई इथर, तो ड्राई इथर Mg प्लस का, CH3 माइनस का, O माइनस का, C प्लस का। तो ये है बच्चों CH3
सी एच थ्री सी ओ एम जी बी आर और ये हो गया सी एच थ्री। और फिर इनको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हो जाएगा सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री सी एच थ्री प्लस में एम जी ओ एच बी आर मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड और ये बन गया टर्शरी अल्कोहल टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो इस तरह से बच्चों ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। जैसे आपने वन बाय वन स्टेप वाइज देखा, सबसे पहले हमने वाटर को ऐड किया, फिर हाइड्रोजन साइनाइड, फिर सोडियम बाइसल्फाइड, फिर इनके बाद आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब लास्ट है बच्चों एडिशंस ऑफ अल्कोहल और एसीटल एंड कीटल फॉर्मेशंस में, ये है सी ओ सी ओ प्लस में इनको रिएक्शंस करवाते हैं आर ओ एच अल्कोहल से। तो देखिए आर ओ एच से जैसे रिएक्शंस करवाते हैं तो एच के ऊपर प्लस का और इसके ऊपर माइनस का, और ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का, कार्बन के ऊपर प्लस का, तो इससे क्या होगा बच्चों सी और ये हो गया ओ एच और ये हो गया ओ आर। तो इट मीन्स ओ आर और ओ एच दोनों आ गया तो इसे हम कहते हैं बच्चों हैमी एसीटल, हैमी एसीटल, हैमी एसीटल की फॉर्मेशन हुई है, इसे हम हैमी एसीटल कहते हैं। अगेन फिर यदि इनको आर ओ एच से रिएक्शंस करवाते हैं, आर ओ एच से दोबारा अगर इसको रिएक्शंस करवाते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा आर ओ एच के लिए अब है ये ओ आर और ये ओ आर, तो ये बन जाएगा एसीटल। दो बार ओ आर आ गया, इसमें जो ओ एच था ये ओ एच माइनस का निकल जाएगा और आर ओ एच में से एच प्लस का निकल जाएगा, वाटर की मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा और ओ आर अटैच हो जाएगा। तो इसी रिएक्शन की अगर कॉपी करना चाहते हैं तो ये सी एच थ्री सी ओ एच और इनको रिएक्शन करवाना है सी टू एच फाइव ओ एच के साथ, तो क्या होगा बच्चों इसमें जो फॉर्मेशन होगी प्रेजेंस ले लेना एच सी एल का, तो ये सी एच थ्री और ये एच और ये सी और ये हो गया ओ सी टू एच फाइव और इस साइड ओ एच, तो ये हो गया एसीटल्डिहाइड था, ये एसीटल्डिहाइड इथाइल हैमी एसीटल। दोबारा फिर इनको रिएक्शन करवा रहे सी टू एच फाइव ओ एच के साथ, तो ये हो जाएगा बच्चों सी एच थ्री एच सी ओ सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव और ये एसीटल हो जाएगा, तो ये एसीटल्डिहाइड था, ये हो जाएगा एसीटल्डिहाइड एसीटल्डिहाइड डाई इथाइल एसीटल। तो बच्चों ये तो आपने क्या देखा, एल्डिहाइड की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आपने नोटिस किया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में मैंने पांच रिएक्शंस लिए और पांचों रिएक्शंस में डायरेक्ट ऐड हो रहा बिना विदाउट फॉर्मेशंस ऑफ बाई प्रोडक्ट। देखिए एट फर्स्ट आपने वाटर को ऐड किया, फिर हाइड्रोजन साइनाइड किया, फिर सोडियम बाइसल्फाइड किया, फिर इनके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किया और अल्कोहल किया। तो इसी तरह से इस रिएक्शंस को आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 अल्काइल ग्रुप में अटैच कर सकते हैं और इस तरह से ये कंपाउंड आगे फॉर्मेशंस होती रहेगी। जैसे देखिए इसमें हमने सी एच थ्री लिया, अब सी टू एच फाइव सी थ्री एच सेवन पुटअप करके आप कंपाउंड की फॉर्मेशंस कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की ये जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज था वो कंप्लीट करवाया। आई होप आज की क्लास आज की वीडियो सभी बच्चों को सही सही समझ में आया होगा और सही सही समझ भी आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए, हम आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर होंगे, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले यदि आपको वीडियो सही सही समझ में आए, क्लास सही समझ में आए, टीचिंग वे ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
और यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों जैसे ही यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाली सारी कमिंग जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी और आप क्लास में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता रहेगा उनसे बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।